इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को शुरू होने में एक महीने से भी कम कवा और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अभी तक इंजरी से जूझ रहे ऋषभ पंत का कोई भी रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं किया है। इसी बीच दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट सौरभ गांगुली ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा, मैनेजमेंट में अभी तक ऋषभ पंत की जगह दूसरे खिलाड़ी के नाम पर विचार नहीं किया गया। आईपीएल 2023 के शुरू होने में लगभग एक महीना है और पंत के विकल्प के तौर पर खिलाड़ी चुनने का प्रोसेस ट्रेनिंग सेशन से पहले हो जाएगा। आपको बता दें, टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पिछले साल एक कार दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें 6 महीने से भी ज्यादा तक का बेड रेस्ट मिला है। अगर पंत की वापसी नहीं होती है तो रिप्लेसमेंट के तौर पर दिल्ली के पास जो सबसे बेहतरीन विकल्प है वो है शेल्डन जैक्सन और अभिषेक पोरेल। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान सौरभ गांगुली ने पंत के विकल्प पर कहा, हमें इसके बारे में सोचने के लिए अभी और वक्त की जरूरत है और जब तक टीम का कैंप नहीं लगता इसके बारे में फैसला नहीं लिया जाएगा। गांगुली ने इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स के शानदार युवा बल्लेबाज सरफराज खान के बारे में भी बातचीत और कहा, सरफराज को सिर्फ उंगली में चोट लगी है और उम्मीद है कि वो आईपीएल से पहले बिल्कुल फिट हो जाएंगे। बताते चले, ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स की कमान कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज डेविड वार्नर संभाल रहे हैं। 1 अप्रैल 2023 को 16वें सीजन के अपने पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट से भिड़ेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।